नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया से शुभम। आज मैं बताना चाहूँगा भारत के दूसरे ताजमहल के बारे में, जिसे मिनी ताजमहल के नाम से अधिकांश लोग जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको मेरा वीडियो जरा ही पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकथाम के आज का ये वीडियो। कोई शीश महल है न कोई ताजमहल है, यादगार मोहब्बत ये प्यार का है मेरा। अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए बेगम की याद में बनवाए गए फैजुल हसन कादरी का मिनी ताजमहल आज विदेशों में छा गया है। यूँ तो प्यार के किस्से सदियों से सुने जा रहे हैं। शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ और मुमताज़ की कहानी लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। दिल्ली से सटे बुलंदशहर जिले की डिवाई तहसील के गांव कसेर कला निवासी फैजल हसन कादरी ने अपनी बेगम तजमुल्ली की याद में गाँव में एक मिनी ताजमहल बनवाया है। विदेशों में यह मिनी ताज अपनी खूब छाप छोड़ रहा है। इसे हम कह सकते हैं भारत से विदेश तक छाया बुलंदशहर के फैजल कादरी का मिनी ताजमहल। हमारी बीवी जो थी वो गोरी थी, हमारी माँ के भाई की लड़की थी, उसने देखा था तो उनका नहीं मैं तो उसी से शादी करूँगी। तो वो शादी जो है हमारी तय हो गई और जून 1953 में 14 जून की बारात थी और 15 जून की रुखसत। फैजल हसन कादरी गांव में ही पोस्ट मास्टर थे। वर्ष 2012 में उन्होंने अपने खेत में मिनी ताजमहल बनाना शुरू किया था। जब हम फिल्म देखते थे तो वो भी हमारे साथ जाने लगी, नो प्रॉब्लम। और उस जमाने में वो चूंकि आमदनी कम थी तो फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं होता, थर्ड क्लास का 5.5 आने का टिकट लिया करते थे। वहाँ अलीगढ़ में तस्वीर महल है, एक पुराना सिनेमा हॉल, तो उसमें देखा देखा करते थे। फिर ये था कि जब वो अच्छी थी और बच्चे हमारे हुए नहीं तो कभी उसको एहसास होता था और वो ये कहती थी कि हमारी न्यास फाता तो क्या कोई हमारा जिक्र भी नहीं करेगा, हमारे मरने के बाद कौन हमारा जिक्र करेगा। तो मैंने ये कहा कि इसी कमरे में थे, मैंने कहा कि इसी खेत में मेरे सामने अगर इंतकाल होगा तो इसी खेत में बीचों बीच में तुझको दफन करके ऐसा मकबरा बनाऊंगा कि बरसों याद रखेंगे लोग। और मैंने आज तक इसमें किसी का एक नई पाई भी नहीं लगाया है। बीबी के मरने के बाद सारे काम मैंने खुद किए, उसका कफन भी लेने के लिए मैं बाजार खुद गया। उनकी बेगम तजमुल्ले की कब्र मिनी ताजमहल में है। हालांकि इसमें अभी संगमरमर का पत्थर लगना बाकी है। गांव में ही उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए राजकीय इंटर कॉलेज को भूमि दान की थी, जिस पर अब इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। और वो जो कब्र एक बनी हुई है और ढकी हुई है उससे, तो वो तो मेरी बीवी की कब्र है और बाकी जो खाली जगह है वो मैंने अपने लिए छोड़ रखी है कि अगर मेरा इंतकाल हो तो मुझको यही दफन किया जाए। बेगम की याद में मिनी ताजमहल बनवाकर चर्चाओं में फैजल हसन कादरी ने वर्ष 2018 में दुनिया से अलविदा कह दिया। नवंबर 2018 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने मिनी ताजमहल के अंदर उनकी बेगम की कब्र के पास उन्हें शुभ एकाक किया। कादरी ने अपनी बेगम की कब्र के प्रारंभ में शुभ एकाक होने की इच्छा जताई थी। बस एक कसक दिल में रह गई कि मरने से पहले जब उसका दूसरा कैंसर हुआ गले का, उसमें बोलना बंद हो गया, तो वो कुछ कहना चाहती थी मगर हम समझ ना पाए, इशारे उसके समझ ना पाए, जबान से वो कह ना पाई। बस यही कसक है अपने दिल में कि वो क्या कहती थी। मेरे ना खुदा मेरे राह पर,
मेरे रहनुमा मेरे हम सफर, लगे जहां से है तू अजीज तर, तू कहां गया मुझे छोड़कर, मेरे शीशे दिल को तोड़कर, तू कहां गया मुझे छोड़कर। टिकटॉक ऐप पर मिनी ताजमहल की वीडियो, बेवफा फिल्म के गाने, याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, इसके साथ काफ़ी वायरल हुई। इसमें फैजुल हसन कादरी ताजमहल के पास खड़े हैं और उनके हाथ में उनकी बेगम तजमुल्ली का फ़ोटो है। लाखों लोगों ने कमेंट में फैजुल हसन कादरी के मिनी ताजमहल की खूब तारीफ़ की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। न कोई शीश महल है न कोई ताजमहल, है यादगारे मोहब्बत के प्यार का है।